भारतीय वाल्मीकि महासभा की एक बैठक मोहल्ला देहरीघाट कटघर में संपन्न हुई। बैठक में संगठन का विस्तार किया गया एवं समाज के हितों को लेकर वार्ता की गई। भारतीय वाल्मीकि महासभा की बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर वाल्मीकि पूर्व मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता अमित भारती ने की व संचालन अमरजीत मनु ने किया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन का विस्तार करते हुए राहुल सेवक को भारतीय वाल्मीकि महासभा युवा विंग का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया और डोली पथिक को महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया एवं संजय वाल्मीकि को मुरादाबाद का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने विचार रखते हुए कहा कि संगठन समाज के हितों को लेकर कार्य करेगा, साथ ही सफाई कर्मचारी वर्ग की जटिल ज्वलंतशील समस्याओं को भी सरकार की निगाहों में लाकर उन पर कार्य करेगा। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई कि 5,00,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए, संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन 2 गुना किया जाए। देश के प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध किया गया कि भगवान वाल्मीकि जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। बैठक में मुख्य रूप से एडवोकेट विनोद कुमार विकल, सुरेंद्र दद्दा, अजय राजौरी, जितेंद्र पाराशर, विजय वीर, रोहित वाल्मीकि, रामोतार राणा, रंजीत परस, ऋतुराज पथिक, सचिन वाल्मीकि, वरुण मदान, जय किशोर, अनुप बेदी, कुक्कू चौधरी, शिवा वाल्मीकि आदि लोग मौजूद रहे। केवल जी से मैं चाहूंगा कि वो आए और मैं उनको अपना भारतीय वाल्मीकि यूथ ब्रिगेड का प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त करता हूं। आप माला पहना के आज आप यहाँ बैठक कर रहे हैं, किस संबंध में ये बैठक है और क्या रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, मेरा नाम जुगल किशोर वाल्मीकि है और भारतीय वाल्मीकि महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी लखनऊ में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, इसमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने के लोग लखनऊ आए थे, क्योंकि सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज की जटिल समस्याएँ जस की तस बनी हुई। हमने प्रदेश की सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, हमने देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाई है और समाज के लोगों को ये विश्वास दिलाया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 6 वर्षों से सफाई मजदूरों की समस्याएं जस की तस बनी हैं। पूरे प्रदेश में लाखों लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनके स्थानों पर भर्ती नहीं की जा रही है, वो सृजित पद हैं, उनका वेतन शासन के द्वारा आरंभ किया जा रहा है लेकिन उनके स्थान पर भर्ती नहीं की जा रही। हमने प्रदेश सरकार से सीधी सीधी मांग की है कि कम से कम वर्तमान समय में 5,00,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए नियमित। इसके अतिरिक्त देश के प्रधानमंत्री से हमने बिना अनुरोध किया है, प्रार्थना की है कि उनकी सरकार के लोग, उनके दल के लोग ये कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हमने उनसे बिना अनुरोध किया है कि जो राम का परिचय जिस भगवान महर्षि वाल्मीकि ने दिया था, अगर महाकाव्य महाग्रंथ वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना ना की होती तो ये संसार ये देश राम को ना जान पाता। तो जब राम का सम्मान इस देश में है, रामनवमी की छुट्टी इस देश में है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में वाल्मीकि जयंती की सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने का काम करें। दूसरी मांग हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से की है कि सफाई एक आवश्यक पेशा है, पैर धोने से काम नहीं चलेगा, रोजी रोटी से काम चलेगा। जिस तरह सफाई आवश्यक पेशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा आपसे अनुरोध है कि पूरे देश में नियमित सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो, जिससे लोगों को रोजगार मिले, जनता को सेवा मिले। हम उम्मीद करते हैं कि 2024 का चुनाव आ रहा है, हम गली गली जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश देश का दौरा करेंगे और ये 2-4 मुख्य बातें अपने समाज के लोगों के बीच में रखेंगे
और यदि सरकार ने हमारी बात मान ली, हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया, तो हम सरकार की जय जयकार भी करेंगे, और अगर हमें भूखा प्यासा रखा गया तो हम सरकार का विरोध भी करेंगे। हम पहले समाज के हैं, बाद में किसी के। प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी हमने सफाई कर्मचारियों की गुहार लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री से दो प्रमुख मांगे हमने रखी हैं कि 5 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, और जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं या तो उनको संविदा में कन्वर्ट करिए या फिर उनका वेतन दुगुना करने का काम करा जाए। और राज्य उत्तर प्रदेश, क्योंकि अपने आप में देश है, सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और सबसे ज़्यादा समाज हमारा उत्तर प्रदेश में निवास करता है। हमारी भावनाएं भगवान वाल्मीकि जी से जुड़ी हुई हैं। अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है तो इस देश को राम का परिचय देने वाले महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। ये हमारे समाज की मांग है। खेतकारी प्रथा हर जगह चल रही है, तो उसके लिए संगठन आगे क्या प्रयास करेगा? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना प्रत्यावेदन दिया है और उसमें यही मांग की है कि ठेका प्रथा बंद की जाए, और यदि आवश्यक हो तो स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं कर्मचारी रखा जाए, जैसे पहले होता था। आज ठेकेदार हमारे ऊपर दबाव बनाता है, अगर हम अपने हक की बात कर लें तो ठेकेदार हमें लात मार के निकाल देता है और अगले दिन हमको सेवा से विमुक्त कर दिया जाता है। अगर स्थानीय निकाय स्वयं रखेंगी तो उनके पूरा सिस्टम होता है, ईओ होता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं, वो हमारी सेवा चेक करते हैं, हम पूरा काम करते हैं, हमारा वेतन बनेगा, हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। हम यही चाहते हैं आउटसोर्सिंग का समाप्त किया जाए, और अगर आवश्यकता है तो स्थानीय निकाय द्वारा स्वयं भर्ती की जाए।